बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल टेक्निकल एग्जाम में। आज हम डिस्कस करेंगे हिंदी, जो UPSC AE और UK मतलब उत्तराखंड में जो AE की वैकेंसीज आई हैं उसमें हिंदी कितना इम्पोर्टेंट है, और ये सीरीज चलेगा। मैं पूरा हिंदी पढ़ाने का देखूंगा, पूरा अच्छे से पढ़ाऊंगा। मैं ऐसे 10th और 12th बोर्ड भी मैं हिंदी मीडियम से किया हूँ, ग्रामर बहुत अच्छे से पढ़ा हूँ। क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सारी चीज़ें हम डिस्कस इस वीडियो में करने वाले हैं गाइज, ओके। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा हिंदी को लेकर, क्योंकि हिंदी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। और बहुत अच्छे हैं, कितना क्या है सिलेबस वो भी देखते हैं आगे, ओके। तो चलिए देख लेते हैं पहले सिलेबस के बारे में कुछ। तो अब सिलेबस की बात करते हैं, सिलेबस में हिंदी में क्या क्या इंपॉर्टेंट हो सकती है। क्योंकि यार देखो, सिलेबस हिंदी के लिए बात किया जाए, हिंदी तो UPSC AE में 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 क्वेश्चन आते हैं, इट इज़ बहुत ईजी होता है, ज़्यादा टफ नहीं होता है। तो 25 क्वेश्चन इंटू 3 यानी 75 मार्क्स के जो हिंदी फर्स्ट पेपर में आपका पूछता है, ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट भी है। और उसके बाद बात किया जाए हिंदी के, हिंदी तो ठीक है, हिंदी आप UPSC AE में वैकेंसी अच्छी है, UPSC में टीचर्स की वैकेंसी जो है, ये असिस्टेंट इंजीनियरिंग की वैकेंसी, दोनों में हिंदी आएगा और बहुत ज़्यादा वेटेज है। उसके बाद UK UPSC की बात किया जाए, उत्तराखंड वाला जो है उसमें भी देख सकते हो समान हिंदी की बात किया जाए। कुल संख्या 100 क्वेश्चन आएंगे और 100 पूर्णांक होंगे, यानी 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर के होंगे, 2 घंटे का पेपर होगा हिंदी। तो यहाँ भी देख सकते हो, तो हिंदी तीन जगह आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, उत्तराखंड में, यूपी टीचर वाले और एई वाले वैकेंसीज में। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है गाइज, ओके। और ये आपको समझना होगा, ऐसा नहीं कि हिंदी मतलब ऐसे ही पढ़ लोगे तो हो जाएगा, इतना आसान मत समझना हिंदी। हिंदी पढ़ने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, सारी चीजें आपको क्लियर करना पड़ेगा, ओके। एक बार हम बता देते हैं हिंदी का सिलेबस क्या है, तो देख सकते हैं। तो UPSC AE और आप UPSC AE की बात किया जाए जनरल हिंदी, या UK UPSC UK की बात किया जाए उत्तराखंड वाला, तो हिंदी भाषा का मूल ज्ञात आपको पढ़ना पड़ेगा स्वर, व्यंजन और रस। रस से तो कम क्वेश्चन आते हैं, बट आपको स्वर और व्यंजन से क्वेश्चन उठा के पूछ लेता है। प्रत्यय भी इंपॉर्टेंट होता है, प्रत्यय से भी क्वेश्चन आते हैं, समास से भी क्वेश्चन आते हैं। समास से क्वेश्चन आएंगे, जितने 6 टाइप के समास होते हैं उसका समास से पूछेगा कि आपका मतलब ये कौन सा समास है, द्विगु समास है या बहुव्रीहि समास है या दीर्घ, जितने भी समास होते हैं वहां से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। आपके मुहावरे, और ये इंपॉर्टेंट होते हैं, मुहावरे भी आपको पढ़ने हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं पढ़ाऊंगा अपनी वीडियो में। अनेक शब्दों के एक शब्द, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उचित शब्द से एक रिक्त स्थान की, कोई उचित शब्द दे देगा उसको आपको फिल करना होगा। पर्यायवाची बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्यायवाची और विलोम, अपोजिट के आप सिनोनिमस और एंटोनिमस जो इंग्लिश में बोलते हैं। शब्द युग्म, आपके लिंग परिवर्तन, पुरुष से आपका पुरुष वचन है तो बहुवचन में कैसे में होगा, क्या कहते हैं, पुरुष से स्त्रीलिंग, ये सारी चीजें आपको मैं पढ़ाऊंगा। वर्ड, वर्तनी और उच्चारण, वर्तनी बहुत पूछता है और उच्चारण भी बहुत पूछता है। वाक क्रम व्यवस्था, वाक दे देगा और उसको कहेगा राम जाता है, राम खाता है, उसको शुद्ध कीजिए। ये भी उपसर्ग और प्रत्यय यहाँ पे देख सकते हैं। भिन्न विपरीतार्थक शब्द यानी सिनोनिमस, और संधि, संध से भी क्वेश्चन आते हैं, संधि विच्छेद, अनेकार्थी शब्द। ये आपका थोड़ा बहुत सिलेबस है, मतलब और भी इसमें सिलेबस मैं पढ़ाऊंगा, तो इसको समझने वाली मैंने UPSC AE का मैंने दिया था, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, इंटरव्यू तक भी गया था, बट बाकी वही है। और भी चीज़ें हिंदी के बारे में बताएंगे, कैसे आप डील कर सकते हो, कैसे हिंदी को पढ़ सकते हो, हर चीज़ मैं डिस्कस करूंगा इस वीडियो में, और हर एक टॉपिक को मैं पढ़ाऊंगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाऊंगा जो UPSC AE में या बहुत सारे एग्जाम में आते हैं, किस तरह आते हैं, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस आपको करने वाले हैं इस वीडियो में, आगे नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला है। इसलिए मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल एग्जाम को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत दिन बाद मैं आ रहा हूँ, तबीयत खराब थी, टाइफाइड और डेंगू हो गया था, तो अभी रिकवर धीरे धीरे चल रहा, तो इसलिए वीडियो कम दे पा रहा हूँ, और भी वीडियो धीरे धीरे मैं लाऊंगा, आपके लिए बहुत बेनिफिट होने वाला है।
इसलिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हिंदी को लेकर मैं आप लोगों को मैं अच्छा से पढ़ाऊंगा और टेक्निकल भी पढ़ाऊंगा और नॉन टेक का GS भी मैं कराने का ट्राई करूंगा। तो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जितने भी फ्यूचर में ऐसे एग्ज़ाम AE का एग्ज़ाम प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि हिंदी बहुत सारे एग्ज़ाम में अब पूछता है। दिल्ली का DSSB AE JEE का जितनी भी फॉर्म आते हैं 20 क्वेश्चन तो आता है गाइस। ओके, तो मैं डिटेल बढ़ाऊंगा और आगे नेक्स्ट वीडियो में। तो बाकी अभी के लिए इतना ही रखते हैं गाइस, बाकी मिलते रहेंगे। अभी के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड जय हिंद।